Hello students, today I am going to teach you in this subject and जो है chapter number 2 है जो क्या है प्रार्थना है जो काव्य है वो है तब याद तुम्हारी आती है, दो नंबर की है। कल मैंने पहला एक पार्ट दिया है, अब दूसरा पार्ट देती हूँ। कल मैंने आपको जो काव्य पढ़ी और आपको एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट काव्य के, अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में है प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर एक, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? उत्तर, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती हैं। दो नंबर में है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? उत्तर लिखेंगे, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है, इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। प्रश्न तीन है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तीन नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती जो होती है, जो पानी मिलता है तो जो धरती वीरान हो जाती है, तब सूख जाती है, तो वीरान जो पड़ी धरती होती है, धरती पर क्या हो जाता है? घास उगती है, सूखे पौधे क्या हो जाते हैं? हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है। जो पेड़ जो सूख जाते हैं, जो झड़ जाते हैं पत्ते, वर्षा होने पानी मिलने पर क्या होते हैं? वो फिर से खिलने लग जाते हैं, ले लहाने लग जाते हैं, तो पेड़ों को इस तरह नया जीवन मिलता है। उनके हर पत्तों की शोभा क्या है? बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। प्रश्न चार है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी क्या है? हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में जो पेड़ों को पानी मिलता है, तो उसमें क्या है, धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। तो क्या है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, देखिए जहाँ देखो वहाँ घास हरी हरी दिखाई देती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। प्रश्न दो पर आते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एक नंबर में है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। उत्तर लिखेंगे, सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी
बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ। क्या कहती हैं? हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्काओ। आलस और उदासी को दूर भगाकर काम में लग जाओ। यहाँ कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, यानी सुबह होने पर जो कलियाँ खिलती हैं, लेकिन हम सोए रहते हैं, लेकिन जैसे वो तो ऐसा लगता है कि कलियाँ खुल गई हैं, उसके जो पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। और वो क्या है, जो सोने वाले हैं हम लोगों को भी क्या संदेशा देती हैं, क्या तुम भी क्या है हंसो मुस्काओ। अब क्या है, तुम्हारी आलस जो है उदासी को दूर भगाकर अपने अपने काम में लग जाओ। दो नंबर है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती हैं। देखिए बूंदें गिरती हैं, जब बारिश होती है वर्षा ऋतु में बूंदें गिरती हैं, साथ साथ बिजली भी चमक चमकती है, देखते हैं ना अपने चमकती रहती है। तो जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, यानी क्या है, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की जो बूंदें होती हैं छम छम की आवाज़ करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे नृत्य कर रही हैं। क्या कर रही हो? नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। चमचम जब चमचम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, यानी जब वर्षा बदल बरसते हैं, पानी के जब रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है, चमचम की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जो ये क्या है, बूंदें भी क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हो। उस समय जब बिजली भी चमकती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बूंदों का जो नाच है, जो नृत्य देखकर आकाश का चेहरा भी खुशी से चमक उठता है। अब यहाँ है प्रश्न तीन, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक है सुबह, दो नंबर में है खुशी, तीन नंबर में है खुशबू, चार नंबर में है बहुत, पांच में है मुस्काना। उदाहरण बताया है सुबह यानी प्रातः काल। वाक्य बनाएंगे, प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। उत्तर लिखेंगे दो नंबर में हम खुशी यानी आनंद। वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे, आज शेर में बड़ा आनंद आया। जब शेर जाते हैं, सैर सपाटे करने जाते हैं, क्या है उसमें बड़ा आनंद आया, तो खुशी यानी आनंद। वाक्य बनाएंगे, आज शेर जो हम कहे थे शेर करने, शेर में बड़ा आनंद आया। तीन नंबर है खुशबू सुगंध। वाक्य बनाएंगे, मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। चार नंबर बहुत यानी ज्यादा। वाक्य बनाएंगे, आज ठंड ज्यादा है। क्या बनाएंगे? आज ठंड ज्यादा है। पांच नंबर यानी मुस्काना यानी हंसना। पांच नंबर में है मुस्काना यानी हंसना। वाक्य बनाएंगे, जोकर को देखकर हंसना आता है। जब सर्कस में जोकर को देखते हैं तो क्या है, हमें हंसना आता है। तो वाक्य है, जोकर को देखकर हंसना आता है। हम विशेष प्रश्न उत्तर पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर एक है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? ए कलियां, बी लहरें, सी हवाएं और डी चिड़ियां। तो हम क्या लिखेंगे, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? हाँ, उत्तर में है चिड़ियां। क्या आएगा? चिड़ियां
यहाँ जो उसका क्रम अक्षर है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बताया है उसके लिए सही लिखने का है, विकल्प चुनने का है, तो हम लिखेंगे डी चिड़िया। दो नंबर है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है, ए पत्तियाँ, बी डालियाँ, सी कलियाँ, डी लहरें। लिखेंगे सुबह दुनिया पर कलियाँ मुस्कुराता है, मुस्कुराती हैं। क्या आएगा, कलियाँ मुस्कुराती हैं। तो इसका है जो सही उसका उत्तर है वो है कलियाँ। क्या आएगा उसका, सी है जो क्रम अक्षर है इसका, विकल्प सही विकल्प है। तीन नंबर में है, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती हैं। तीन नंबर में, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती हैं, ए चमचम, बी छमछम, सी डमडम और डी है सन सन। सही उत्तर है छमछम। वर्षा ऋतु में बूंदे छमछम करती हुई गिरती हैं। चार नंबर में है, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती हैं, ए ठंडी, बी बरसाती, सी धीमी, डी तेज। हमारा जो सही उत्तर है वो है ठंडी। ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती हैं। प्रश्न दो है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है हरियाली, कोष्ठक में लिखा हुआ है हरियाली, मस्ती, सृजनहार, खुशी, दुनिया। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती हैं। यहाँ कोष्ठक में से हम लेंगे खुशी शब्द, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती हैं। दो नंबर में है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं, तो लिखेंगे दुनिया। दो नंबर में, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती हैं। तीन नंबर में है, हे जग के सृजन हार प्रभु। क्या आएगा यहाँ पर, सृजन हार कोष्ठक में से हम लेंगे, सृजन हार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। चार नंबर में, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। चार नंबर में है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। पांच नंबर है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं, यहाँ लिखेंगे मस्ती। पांच नंबर में, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं। प्रश्न तीन है, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। एक नंबर में है, सुबह उठकर चिड़िया आ में है सूर्य का स्वागत करती हैं, बा बच्चों का मन बहलाती हैं, के खुशी के गीत गाती हैं। तो हम लिखेंगे नंबर एक में, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। उत्तर लिखेंगे, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। दो नंबर है, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से आ में है पानी लाकर बरसाती हैं, बा मस्ती ढोकर लाती हैं, का है ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती हैं। उत्तर लिखेंगे, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती हैं। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक नंबर में है, सुबह खुशबू की लहरें क्या करती हैं। उत्तर, सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती हैं। सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती हैं। दो नंबर है, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है। उत्तर लिखेंगे, हरियाली मैदानों वनों और बागों में लहराती है। हरियाली मैदानों वनों और बागों में लहराती है। तीन नंबर, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है।
उत्तर प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। यह प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ईश्वर की याद कब आती है? ईश्वर की याद कब आती है आपको, हमको, सबको कब आती ईश्वर की याद? उत्तर लिखेंगे, चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती हैं, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती हैं, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। ये सब चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि सब किसने बनाया होगा, तो हम याद आती ईश्वर की, ये सब चीजें प्रभु ईश्वर ने ही बनाई है। ईश्वर की याद कब आती है हमें? तो चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती हैं, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती हैं, बरसात में बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है, मैदानों वनों और बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। अब हम पार्ट 3 है जो कुत्ते की वफादारी, एक कहानी बताई है, तो कहानी पर हम आते हैं। यहाँ पर भी बताई गई है कि वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, इंसान ही कई वफादार नहीं होते, पर जो है जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, वो भी वफादार होते हैं। वो क्या है, मुंह से बोल नहीं सकते लेकिन उनमें वफादारी के गुण पाए जाते हैं। वफादारी का गुण केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या है, वो फैथफुल कहलाता है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था। जो उसका था कुत्ता, जो मालिक भी उसे बहुत प्यार करता था, अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था, जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। ये इस कहानी में बताया गया है, जिसका है जो है कुत्ते की वफादारी। शीर्षक क्या है उसका, कहानी का, कुत्ते की वफादारी। अब यहाँ पर हम आते हैं, मुहावरे हैं, अर्थ और वाक्य प्रयोग पर जाते हैं हम। पहले यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 में है, हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना। वाक्य लिखेंगे, शहीदों की ये कहानियां हमारे हृदय हिला देती है। 2 नंबर में है, मार खा जाना नुकसान होना। वाक्य बनाएंगे, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। 3 नंबर में है, फूटी कौड़ी ना होना, बहुत गरीब होना, पास में पैसा ना होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। 4 नंबर, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, कोई रास्ता ना होना। वाक्य लिखेंगे, कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। 5, डाका डालना चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला।
छह नंबर में है 9 2 11 होना, भाग जाना, वाक्य पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। सात नंबर है हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, वाक्य लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। आठ नंबर है खुशी का पार ना रहना, बहुत खुश होना, वाक्य खोया हुआ बच्चा पाकर माँ की खुशी का पार ना रहा। नौ नंबर है फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना, वाक्य है बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। दस नंबर आओ देखा नाताओ, बिना सोचे समझे काम करना, सोचे समझे बिना काम करते हैं लोग, ना आओ देखते ना ताओ ना ऊंधे काम करते हैं, तो इसका है इसको क्या इससे क्या बोलते हैं मुहावरा है आओ देखा ना ताओ, यानी बिना सोचे समझे काम करना। वाक्य लिखेंगे शेठ जी ने आओ देखा नाताओ और गरीब किसान पर गोली चला दी। अब हम अभिया से ने इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। जो लेसन है पाठ है कुत्ते की वफादारी, उसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। अभ्यास से यहाँ प्रश्न एक है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। एक है समाधि, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। क्या है समाधि आना चाहिए वाक्य में, वो वाक्य लिखने का है हमें। दो नंबर में है बंजारा, पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा यानी पुराने जमाने में जो व्यापार का सामान होता था लाने का और ले जाने का काम जो करते थे वो बंजारे करते थे। तीन नंबर में है वफादार, कुत्ता बड़ा वफादार था। चार नंबर में है शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांच नंबर है लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। छह नंबर में है जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सात नंबर में है सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत एक साल में ही चुका दूंगा। आठ नंबर है गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न दो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर में है समाधि क्यों बनाई जाती है, समाधि क्यों बनाई जाती है। उत्तर किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है समाधि, समाधि किसी जो विशिष्ट व्यक्ति होता है या बहुत प्यारा होता है उसकी याद हमें कायम रखने के लिए और उसके प्रति अपना प्रेम भाव तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि, समाधि जो है समाधि बनाई जाती है। प्रश्न दो है आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे। उत्तर है मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। एक नंबर है जल्दबाजी का नतीजा यानी परिणाम, एक नंबर में है जल्दबाजी का नतीजा परिणाम।
नंबर दो, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तीन नंबर है, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चार नंबर है, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। प्रश्न तीन है, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। उत्तर लिखेंगे, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। देखिए, कुत्ते बैठे जैसे ही अनजाने को देखते हैं वो भौंकने लगते हैं, जिससे क्या है, मालिक जाग जाता है और वो चोर भाग जाते हैं। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता क्या करता है, मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। वफादार होता है और मालिक से क्या है, दगाबाजी नहीं करता और मालिक का साथ निभाता है, चाहे उसे अपने जान के भी लाले पड़ जाए, उसके जान भी देनी पड़े तो भी वो अपना जो है फर्ज है वो अदा करता है, निभाता है। इसलिए हमें उसे क्या कहते हैं, एक वफादार प्राणी कहा गया है। इसको वो सभी दुन कहते हैं कि कुत्ता क्या है, बहुत फैथफुल प्राणी है, एनिमल है, वफादार प्राणी है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्यों कहा गया है वफादार प्राणी। इस तमाम जो कारण बताए गए हैं उसके उसके इन गुणों के कारण ही उसे क्या है, वफादार प्राणी कहा गया है। चार नंबर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। चलो बताओ, बंजारे ने जब कुत्ते को अपनी तरफ आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। उत्तर, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार ना करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता।